बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 8, फर्स्ट एड। तो बच्चों, हम यूनिट नंबर 4 को ट्रांसलेट कर रहे थे, उसकी ट्रांसलेशन हम कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टॉप द ब्लीडिंग, इसको यानी कि सबसे पहला अमल जो हमने करना है फर्स्ट एड में, जो पहली चीज़ हमने करनी है वो खून के बहाव को रोकना है, और सेकेंड क्या है, क्लीन द वाउंड, के ज़ख्म को क्या करना है, साफ़ करना है। ठीक है जी, ज़ख्म को साफ करें, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे जी। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर। रिंस आउट का मतलब है धोना, वाश, क्लीन, वाश आउट द वाउंड, जख्म को विद के साथ, क्लीन साफ, वाटर पानी के साथ। ठीक है जी, यानी कि साफ पानी से जख्म को धोएं, साफ पानी से, क्लीन वाटर, साफ पानी से जख्म को धोएं। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है बच्चों, ठीक है जी। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लोथ। टू क्लीन, साफ करें द एरिया, एरिया का मतलब क्या बेटा, जगह, ठीक है, जगह, हिस्सा, अराउंड, इर्द गिर्द, द वाउंड, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करें। यूज, इस्तेमाल करें सोप, साबुन, एंड और अ वॉश क्लोथ, धुला हुआ कपड़ा, यानी कि साफ कपड़ा। ओके, जख्म के गिर्द, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को, या जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से की सफाई के लिए साबुन और साफ कपड़ा इस्तेमाल करें। जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से की सफाई के लिए साबुन और साफ कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरीटेट द वाउंड, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। बट लेकिन सोप, साबुन कैन, कर सकता है, सकता है, सकना, लेकिन साबुन कर सकता है इरीटेट, इरीटेट का मतलब है सूजिश पैदा करना, इनफ्लेम, बर्न, पेन, स्टिंग द वाउंड, जख्म को, ठीक है जी। लेकिन साबुन जख्म में सूजिश पैदा कर सकता है, सो लिहाजा ट्राई, कोशिश करें, टू कीप इट, टू कीप रखने की, इट इसे, किसको, साबुन को, तो इसे रखने की कोशिश करें आउट ऑफ द एक्चुअल, एक्चुअल वाउंड, आउट दूर, एक्चुअल असल, दर हकीकत, कीप इट आउट का मतलब है दूर रखना, कीप इट अवे, एक्चुअल असली हकीकत वाला वाउंड जख्म, यानी कि असल जख्म वाली जगह से इसे दूर रखने की क्या करें, कोशिश करें। अब बामौरा सुने, लेकिन साबुन जख्म में सूजिश पैदा कर सकता है, लिहाजा इसे असल जख्म वाली जगह से दूर रखने की कोशिश करें। इफ डर्ट आर डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, यूज ट्वीजर्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। इफ, अगर डर्ट गंदगी, ठीक है, ओके, गंदगी, आर डेब्रिस मट्टी, अगर गंदगी या मट्टी रिमेन्स मौजूद रहती है इन द वाउंड, जख्म में, आफ्टर के बाद वॉशिंग, यानी कि अगर जख्म की सफाई के बाद गंदगी या मट्टी के जरात रह जाएं, यूज, इस्तेमाल करो ट्वीजर्स, चिमटा, ठीक है जी, क्या इस्तेमाल करें, चिमटी इस्तेमाल करें, क्लीन्ड साफ विद अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से साफ, साफ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें टू रिमूव, हटाने के लिए, रिमूव हटाना, द पार्टिकल्स, जरात, ठीक है, जरात रह जाए, तो अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी की मदद से उसको क्या करना है, अज्जा को रिमूव कर दें, हटा दें, साइड पे कर दें, ठीक है बच्चों, ओके, फिर सुन लें जी। अगर जख्म की सफाई के बाद, अगर जख्म की सफाई के बाद गंदगी या मट्टी के जरात रह जाएं, तो अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी की मदद से अज्जा को हटा दें। इफ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, सी योर डॉक्टर। इफ, अगर डेब्रिस, हुई डेब्रिस यानी कि मट्टी वगैरह के
जरे, ठीक है जी, रिमेन्स स्क्रैप्स, स्टिल अभी भी, रिमेन्स मौजूद रहे, ठीक है जी, यानी कि अगर अगर फिर भी गंदगी रह जाए, सी सी योर डॉक्टर, सी हासिल करें योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर की मदद हासिल करें, डॉक्टर से रुजू करें, अपने मुआलिज से रुजू करें, राब्ता करें, सी रुजू करें, मिले, ठीक है जी। अगर फिर भी, स्टिल फिर भी, अगर फिर भी गंदगी रह जाए तो अपने मुआलिज से राब्ता करें। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टैटनस, थ्रू के जरिए क्लीनिंग सफाई से रिड्यूसेस कम कर देता है द रिस्क, रिस्क का मतलब क्या है, खतरा, यानी कि खतरे को, डेंजर, यानी कि कम करता है ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या बेटा, यानी कि जरासीम जिदगी एंड टैटनस और तशन्नुज के खतरे को कम कर देती है, ठीक है जी। थ्रू क्लीनिंग, थ्रू का मतलब बेटा मुकम्मल, कंप्लीट, थ्रू क्लीनिंग यानी कि मुकम्मल सफाई कम कर देती है द रिस्क, खतरे को ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम जदगी एंड टैटनस और तशन्नुज के खतरे को कम कर देती है। फिर सुने, मुकम्मल सफाई, मुकम्मल सफाई जरासीम जदगी और तशन्नुज के खतरे को कम कर देती है। ओके, इज इट क्लियर? तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि जख्म को हमने साफ किस तरह करना है, कि साफ पानी से जख्म को धोएं, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साबुन के लिए, सफाई के लिए साबुन और साफ कपड़े इस्तेमाल करें, लेकिन साबुन जख्म में सूजिश पैदा कर सकते हैं, लिहाजा उसे असल जख्म वाली जगह से दूर रखने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। अगर जख्म की सफाई के बाद गंदगी या मिट्टी के जरा रह जाए तो अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी की मदद से अज्जा को हटा दें। अगर फिर भी गंदगी रह जाए तो अपने मोहल्ले से रब्ता करें। मुकम्मल सफाई जरासीम जदगी और तशन्नुज के खदशे को क्या कर देती है बेटा, कम कर देती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।